एक युवक को भीड़ में सवाल पूछना भारी पड़ गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पूछा, चौकीदार चोर क्यों है? इसी छोटी बात पर भीड़ उस पर टूट पड़ी। घटना रायबरेली का है, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 का माहौल जैसे जैसे चरम पर जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ शर्मनाक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कथित तौर पर रायबरेली में चौकीदार चोर है के नारे पर सवाल उठाए जाने पर एक शख्स की पिटाई कर दी। युवक ने मीडिया से बातचीत में रोते हुए पूरी घटना बताई है। पीड़ित युवक ने प्रहार करने वालों को कांग्रेस के कार्यकर्ता बताया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पिटाई करने वाले लोगों का कांग्रेस से क्या संबंध है। इस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पीड़ित व्यक्ति का नाम आशीष पाठक है। उसने कहा, कांग्रेस नेताओं ने मुझे रोड पर घसीटा और वार किया। कांग्रेसियों की गुंडाई बढ़ गई है। क्या ऐसी गुंडाई करके चुनाव जीते जाएंगे? मेरे चश्मे के दो टुकड़े कर दिए गए। मैं हृदय रोग से पीड़ित हूँ। कथित तौर पर आशीष ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चौकीदार चोर है के नारा लगा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूछ लिया, चौकीदार चोर क्यों है? इस पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आशीष को धून दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हो रही अपनी हर सभा में चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार ने राफेल डील में गड़बड़ी की है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस नारे का जवाब देते हुए बीजेपी ने अपने कैंपेन में भी मैं भी चौकीदार जोड़ लिया है। इसके बाद सभी बीजेपी नेताओं ने अपने ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर नाम के साथ चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। यह कहा नहीं जा सकता कि वह कांग्रेस थे या कोई और, परंतु चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं यह बताती है कि गुंडागर्दी सरेआम सर उठा रही है। मैं भी चौकीदार हूं के बयान से देश भर में मोदी कैंपेन चला रहे हैं, परंतु यह कितना सफल होता है यह चुनावी बताएगा। खुद को देश के चौकीदार बताने वाले मोदी आखिर किस प्रकार देश की सुरक्षा में लगे हैं, यह तो उनका कार्यकाल ही बताता है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।